इधर से हमको ये जो लाइन जा रही है ना, सेम इस लाइन पे फोकस करना है, और ये हमारी जो हमने सर्कल बनाया था, ओवल शेप बनाई थी, उससे जाके मिल जाती है। ठीक है, बीच से स्टार्ट करना है, ओवल पे जाके मिल जाएगी और ओवल वाली शेप के साथ चलना है, उसके बाद इधर नीचे आ जाती है। ठीक है, एंड में इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारी जो आइज़ होती है उसका कुछ इस तरीके से ये शेप जा रहा है, इधर से उठा हुआ, देखो ये है ना, देखो कैसे उठा हुआ है, जूम करके देखो आपको पता चलेगा, इस तरीके से जा रही है लाइन। उसके बाद ये नीचे से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ओवल जो शेप थी उससे थोड़ा सा ऊपर है, और इधर आ जा आकर टच हो जाती है। ठीक है, जब हमारी ये आई ड्रॉ हो जाती है तो सिंपल सी बात है, जो बाहर की फालतू लेयर है जो हमने शेप बनाई थी उसको हम इरेज कर सकते हैं, तो हमको पता चलता है कि एक लाइन जो है आइज़ की वो कैसी दिखती है। ठीक है, इस तरीके से जब अच्छी सी आई ड्रॉ हो जाए तो उसको डार्क कर लो थोड़ा सा। डार्क कैसे नहीं करना कि सीधा ऐसा लखीटा मार रहे हो, ये नहीं। ठीक है, डार्क कैसे करना है, इस तरीके से हाथ चलेगा एक साइड में। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, इस तरीके से। ठीक है, हल्के हाथों से ये, ठीक है, इस तरीके से लाइंस की वैल्यूज रखते हुए इस तरीके से हमारी जो आई है ये आ जाती है। ठीक है, फालतू की जो शेप्स होती है उनको इरेज कर सकते हो। आईज़ के पास इधर एक मसल्स होती है, ठीक है, अगर आपने देखी हो तो आँख के पास, और ये देखो एक सर्कल आ रहा है इधर, दिखा एक सर्कल, इसको लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तो पूरा सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस तरीके से देखो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, बाहर के पार्ट्स को इरेज कर दो, सिंपल है ना, ये इरेज कर दिया, तो सर्कल आइज़ के अंदर आ गया, है ना। जब आइज़ के अंदर आ जाए, आपको लगे कि परफेक्ट है, तो इसको आउटलाइन दे दो। लेकिन ये ध्यान रखना कि हम जो भी शेप बना रहे हैं एक सर्कल से ही बना रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल की प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। और सर्कल नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइंस ऐसे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये सर्कल टाइप बन जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक और सर्कल है, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये बड़े में बता रहा हूँ, ये आपको छोटे में बनाना है, समझ रहे हो, जो स्ट्रक्चर होता है अपना वो। ठीक है, अगर अपन आई ड्रॉ करना सीख गए तो फिर छोटे में भी आराम से आईज ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये लाइन जो जा रही है ना, इसको ले लो। ठीक है, इसके लिए करो क्या कि एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करो, आपको आई ड्रॉज की वो मिल जाएगी पोजीशन। अब सर्कल जो ये होगा ये इधर से और इसको कनेक्ट करता हुआ जाना चाहिए, ओवल टाइप शेप आएगी। ठीक है, सर्कल नहीं आएगा, एक ओवल आएगा। अब इस ओवल का क्या मतलब है मैं बताता हूँ, ओवल से हमको दो चीज़ें पता चलती है। ठीक है, पहले तो इस वाली को ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरीके से। ये कर लिया, उसके बाद इससे क्या पता चलता है कि हमारी ये जो आईब्रोज है ये कितनी ऊपर है। ठीक है, ये तकरीबन कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी, और नीचे का ये जो पार्ट था आपने देखा होगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से छोटी आईज भी हमको ड्रॉ करनी है इस फेस में। ठीक है, करना क्या है कि ये जो आई थी इसका दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो पहले इसको। ठीक है, फिर इधर से क्या करो, इसको स्टार्ट करो, जैसे कि इधर से इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा नीचे से होगा स्टार्ट। ठीक है, इधर से स्टार्ट किया,
है ना, इस तरीके से ले गए, जो हमारी शेप जा रही थी फिर उससे कनेक्ट हो गया ये, है ना। उसके बाद एंड में ये नीचे की साइड आ जाता है बस, है ना। सेम इधर करो, ये अंदर की साइड, ठीक है, और ये इधर हो गया कनेक्ट। ओके, इस तरीके से आइज ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या है, सर्कल है, एक सर्कल बना लो प्रॉपर। उसके बाद बाहर की लाइंस को छोड़ो, अंदर की लाइंस पे फोकस करो, ठीक है। इस तरीके से अंदर की लाइंस बना ली, ये मसल्स हो गई इधर, है ना। ये आ गई आपकी आउटर लेयर, वेट बाद में देखूंगा। ठीक है, इस तरीके से आ गई आइज की मसल्स, और ये नीचे वाली शेप इधर, है ना, और इधर आ जाएगी अपनी आईब्रोज, ठीक है, थोड़ा ऊपर चली गई तो इधर आ जाएगी। आईब्रोज की देखो किस तरीके से जा रही है डायरेक्शन में, वो देखना अपने को, ठीक है। इस तरीके से लाइन की मदद से आईब्रोज को हम बना सकते हैं, बन गई, है ना। अब सेम करना क्या है कि इस साइड का जो हमने आईज बनाई इसका साइज लो, दूसरी आईज के अकॉर्डिंग नापो, हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरी आईज भी उतनी बड़ी होगी जितनी पहली थी, ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो इसमें पर्सपेक्टिव कुछ लग नहीं रहा ज़्यादा। सेम इसको भी पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो ना, जैसे हमने ये लाइन ली थी ना, एक लाइन ही ले लो इधर, ठीक है, ये लाइन ले ली। इसके बाद क्या है, इधर से स्टार्ट करना है अपने को। देखो ये जो आगे वाला पार्ट होता है ये लाइन के नीचे से जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, लाइन्स के नीचे से जाएगा और दूसरा मिलेगा वो लाइन के ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इस तरीके से इधर ये अटैच हो गया हमारी शेप के साथ, है ना। ठीक है, इस तरीके से सेम जैसे हमने फर्स्ट आई ड्रॉ की थी इसी तरीके से सेकेंड आई भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरीके से हो गई, ऊपर की ओवर लेयर ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल अंदर का ड्रॉ कर लेंगे। अब ध्यान रखना जितना बड़ा इतना इधर किया है उतना इधर करना है, ठीक है, पूरा बाहर तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अंदर की शेप दे दो जितना अपने को चाहिए, लेकिन जब सर्कल ड्रॉ करते हो ना तो हल्के हाथों से करो ताकि वो उसको हम आसानी से इरेज कर ले, ठीक है। इस तरीके से दूसरी आई भी हम ड्रॉ कर लेंगे, इधर मसल्स आ जाएंगे, है ना। तो और अगर आप देखोगे तो इधर एक आउटलाइन जाती है जो कि हमारी नीचे वाली जो पलके होती है उसके लिए होता है, वो आ जाती है। उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन क्लिक करी थी हमने इसलिए करी थी, इससे हमको पता चल जाए जो नीचे की होती है लाइन वो, ठीक है। इसके बाद सेम इस तरीके से हमने पहली ये जो आईब्रो ड्रॉ की थी उसी तरीके से इधर कर देना है, ठीक है। इतना हुआ सभी का, ये जो हमने दो आईज ड्रॉ करी है इतना हुआ सभी का, एक बार दिखाओ मुझे, ठीक है। उसके बाद नोज़ का और लिप्स का बताऊंगा। एक बार दिखा दीजिए पीयूष। हाँ जी दिखाइए कितना ड्रॉ किया।
एक सेकेंड, वेट 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 वेट, ओके पीयूष ये आपका है, हाँ आइज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमने ये ड्रॉ किया था ना, ये ओवल शेप बनाई थी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, नीचे से ये लिया था इस तरीके से, इधर से हमारी जॉइंट हो गई थी और इधर मिल गई थी, ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना इस तरीके से आएगा, मतलब ज़्यादा आपने ज़्यादा बाहर कर दिया नीचे वाला, समझ रहे हो, नीचे वाला इस तरीके से नहीं होगा आपका, ये लग रहा है, समझ रहे हो, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, इस तरीके से नहीं बनाना, ठीक है, शेप देनी है एक, ये शेप गई, ठीक है, और इधर से देखो बैंड हो जाती है, इधर से बैंड हो गई, ठीक है, और इधर आके ये टच हो गई लाइन के साथ, जो लाइन क्लिक करी थी हमने, ठीक है, जब दूसरी नीचे से हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से आती है अंदर की साइड, ठीक है, और नीचे ज़्यादा नहीं जाती, ऊपर वाली से कम जाती है, इतना ध्यान रखना, ऊपर वाली की जो हाइट होती है लाइन से नीचे वाली की कम होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, इस तरीके से जाएगी और इधर जाके ये इससे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वही कनेक्ट, उसके बाद हमको एक सर्कल बनाना है, जितना बड़ा इसमें दिख रहा है जितना स्पेस, ये देख लो अगर इधर से और इधर से कनेक्ट कर रहा है, दो लाइन क्लिक कर लो, एक इधर कर लो और एक इधर कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा सर्कल हमारा बनने वाला है, जब दो लाइंस को टच करने लग जाए हमारा सर्कल, तो सोचो कि सर्कल बन चुका हमारा, उसके बाद ये जो हमारी सर्कल्स की लाइन थी इनमें से जो परफेक्ट लाइन आपको लगती है उसको डार्क कर दो, समझ रहे हो, इस तरीके से है ना, उसके बाद नीचे वाली ये जो लाइन थी तो इस तरीके से ड्रॉ कर लो उनके हाथों से, और ऊपर वाली ये, इस तरीके से है ना, बाकी भी दिखाएंगे अपना एक बार, लीजा आप दिखाना एक बार अपना, ऋतिक आप दिखाओ, एक मिनट सर, हाँ जी, हाँ जी दिखाइए, ठीक है, आईज ना इस तरीके से ड्रॉ करनी है, अगर आपसे छोटी आई ड्रॉ नहीं हो रही तो आप एक काम करें, एक और पेज ले और एक बड़ी आई का प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, किस तरीके से ड्रॉ होनी है, जब आप इधर करना सीख जाओगे तो आप छोटी आईज भी आराम से ड्रॉ कर लोगे ना, अब ये मैंने ड्रॉ करा, दिखाइए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सही बहुत सही ऋतिक, बहुत सही, देखो आईज़ आपने ड्रॉ कर ली, अभी मैं लिप्स और नोज़ बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद करना है वो अच्छे से, बाकी आईज़ आपने बहुत अच्छे से ड्रॉ करी है, हाँ इसी तरीके से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बाकी स्टूडेंट्स भी दिखाएंगे एक बार, सर्वेश आप दिखाएं, लीजा आप भी दिखाएं, अपना वर्क दिखाएं पहले मुझे, उसके बाद ही मैं आगे बताऊंगा, सर्वेश लेफ्ट करते, कोई नहीं अपना मोबाइल किधर है मेरा, ओके ठीक है मैं आगे का बताता हूँ, एक बार लीजा आप भी दिखा देते तो पता चल जाता मुझको कि कितना आपने किया है, अगर कोई मिस्टेक होगी तो अभी बता दूंगा मैं, ठीक है चलो आगे का बताता हूँ, इसी तरीके से हमने दोनों लाइंस, ओके वेट, ठीक है इस तरीके से हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर लिया, अब क्या है नोज़ की बारी है, नोज़ ड्रॉ करते हैं, ठीक है नोज़ की बारी है, अगर किसी को समझ ही नहीं आ रहा तो पूछ सकता है उधर ही, मैं बता दूंगा, अब ठीक है अब नोज़ करते हैं, अब नोज़ की हमने पोजीशन देख ली थी कि किधर आएगी, देखो नोज़ की जो हाइट है वो कैसे डिसाइड होगी वो मैं बताता हूँ, वो जो हाइट होती है ये जो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, आइज़ का डेढ़ गुना होता है, ठीक है एक आइज़ का वो ले लो आप माप ले लो, वन एंड हाफ, देखो इधर से जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी ना, जो आइज़ को दो पार्टों में डिवाइड करती है उस लाइन से नापना आपको, ठीक है ये वन एंड इसका हाफ, ठीक है इसका हाफ इधर थोड़ा ऊपर होगा, इधर होगा, ठीक है इधर होगा, अगर हाइट इसकी इतनी है तो ये इधर होगा, ठीक है वन एंड हाफ, इस तरीके से है ना,
हाइट तो हमको पता चल गई, हाँ इतनी आएगी इसकी नीचे नोज़ की, लेकिन इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, वो कैसे पता चलेगा, वो मैं बताता हूँ। ये कार्टून फिगर है, इसमें थोड़ा अलग ही नोज़ दी हुई है, ऐसी होती नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में होता क्या है कि जो हमारी ये जो आइज़ का लेवल होता है ना, ये इतनी बड़ी हमारी नोज़ होती है, यानी कि इधर तक हमारी नोज़ आ जाती है, ठीक है, इतने चौड़े में रियलिटी में मैं बताऊँ तो। बाकी अभी ये कार्टून फिगर है तो इसमें नोज़ इसकी छोटी है, तो क्या करो इसके अंदर ही आना है, मतलब कि ये जो हमारी आईब्रोज है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन जब ह्यूमन फिगर बनती है तो ध्यान रखें, ये जो हमारी मसल्स होती है इधर से आती है हमारी नोज़ की हाइट, ठीक है, लेकिन इधर तो अभी आईब्रोज़ के लेवल की है तो इधर से ही ले लें, ठीक है। अब क्या है कि इतना हमने ले लिया कि हाँ इतना बड़ा हमारा पूरा नोज़ बन जाएगा इतने एरिया में, ठीक है। तो अब नोज़ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि एक सर्कल ड्रॉ करें बीच में, ठीक है। देखो बीच में आपको सर्कल दिख रहा होगा इसमें, ठीक है, दिखाता हूँ, बीच में आपको सर्कल दिख रहा होगा इधर देखो, ठीक है। इसी तरीके से हमको ये वाला सर्कल ड्रॉ करना है पहले ना, ये कर लिया ड्रॉ, उसके बाद क्या साइड में दो और सर्कल है अगर आपको दिख रहा हो, लेकिन बीच वाले से छोटे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साइड में अगर हम दो सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमको पूरी की पूरी नोज़ बनी बनाई मिल जाती है। थोड़ा सर्कल ऊपर ड्रॉ करें, ठीक है। अब क्या है कि इसको आउटलाइन दे दें, और ज़्यादा डार्क हो गया, कोई नहीं, ठीक है, इस तरीके से डार्क पेंसिल से, है ना, साइड से, और इधर से देखो कैसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, ये कनेक्ट कर रहे हैं ना आपस में, सारी चीज़ें कनेक्ट कर रही है एक दूसरे को, आप देखोगे तो। इस तरीके से हमारी प्यारी सी नोज़ बन जाती है जो कि छोटे लेवल पे थी, ठीक है। और इधर हम एक सर्कल डालते हैं छोटा वाला, तो ये हमको पता चलता है कि शेडिंग किधर करनी है, ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा बीच में ये होगा हाईलाइट और बाकी जगह होगी शेड्स, ठीक है। तो शेड्स अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि शेड का कैसे पता चलता है, शेड का ऐसे पता चलता है, ठीक है, बीच में वो लाइट रहेगा। अब हमने नोज़ भी ड्रॉ कर लिए, ठीक है, सभी की हो गई नोज़ ड्रॉ। तो अभी क्या है कि आगे का करते हैं, लिप्स का कैसे पता चलेगा कितना बड़ा होगा, उसका सिंपल है, जो आइज़ का लेवल होता है उसी का लेवल होता है लिप्स का। लाइक मैंने आइज़ का वो ले लिया, ठीक है, तो लिप्स भी उतने बड़े होते हैं, देखो एक आई जितना हमारा लिप होता है पूरा, इस तरीके से, यानी कि हमारा जो लिप्स है वो इधर तक आ जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट किधर से होगा, स्टार्ट होगा 1.5 से, इसका मतलब ये है अगर इतना बड़ा है तो इधर से हमारा लिप स्टार्ट होगा, ठीक है, इधर बीच है इसका और ये ख़त्म है। अब इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होती है एक आई से थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर तकरीबन 1 आई, ठीक है, एक आई से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी आईज इतनी बड़ी है तो इसकी हाइट तकरीबन इतनी होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा होगी इतनी, ठीक है, एक आई से ज़्यादा, इस तरीके से। अब जब हमको पता चल जाता है कि इसकी हाइट लंबाई कितनी है, तो इधर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ओवल शेप में, ठीक है, जिससे हमको पता चल जाए पूरा का पूरा लिप किस तरीके से आने वाला है ना। तो अब इधर से हम शेप देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देखो शेप कैसे जा रही है, वो देखो, पहले ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर से, एक सेकेंड, इधर से इस तरीके से जा रही है और इधर से भी इस तरीके से जा रही है। पहले ये वाला पार्ट क्लियर करेंगे, एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, लाइन थोड़ी ऊपर होगी, ध्यान रखना, क्योंकि नीचे का जो पार्ट होता है वो ऊपर के मुकाबले बड़ा होता है, तो लाइन थोड़ी ऊपर होने वाली है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि इधर हमारा एंड है, हमको पता है कि इतना बड़ा हमारा लिप बनने वाला है, ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा कुछ,
समझ आ रहा है सभी को, एक बार बता दें ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है उसको रेज कर लो। ठीक है, अब क्या है कि अंदर का पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। अंदर का किस तरीके से जा रहा है, पहले एक सीधी लाइन जा रही है, सीधी तो नहीं है, थोड़ी कर्व है, उसके बाद अंदर की साइड, ऊपर की साइड, ठीक है, फिर डाउन एंड इस तरीके से। आपको इमेज को देखना है ठीक से कि किस तरीके से कौन सी शेप जा रही है, तब आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। ठीक है, इस तरीके से लाइन इधर कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरा लाइंस का गेम है और कुछ नहीं है, बाकी जो नीचे का पार्ट है लिप का उसको डिसाइड करेंगे इतना। ठीक है, इस तरीके से, और इसकी शेप इस तरीके से जा रही है, एक त्रिकोण ट्रायंगल टाइप बनेगा। ठीक है, एक इस तरीके से एक शेप बनेगी। तो कैसे करेंगे इसको, इधर से एक लेंगे, इधर से करेंगे। ठीक है, तो इधर आपका लिप बन जाएगा, और इधर से देखो ये शेप आ जाएगी। ठीक है, ये शेप इस तरीके से आ जाएगी, है ना, इस तरीके से इसकी लिप्स की शेप्स आ जाएगी, है ना। अब क्या, नीचे का एरिया डिसाइड करना हमको कि कैसे पता चलेगा कितना बड़ा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हम एक ओवल ड्रॉ करेंगे छोटा सा, फ्री हैंडली करना है, इतना कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, है ना, हल्के मतलब लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इसकी जो ठोड़ी है वो इतनी बड़ी है, नीचे इतनी है। ठीक है, इधर से जाएगी, और ये जो लाइंस मैंने, ये जो सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये मसल्स होती है। ठीक है, अगर आपने मसल्स पहचान ली कि किधर कौन सी मसल आ रही है, तो आप इसका फेस का आउटर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से एक ओवल इधर आएगा, एक ओवल शेप इधर आएगा। ठीक है, लेकिन टेढ़े में, इसका मतलब ये है कि इस तरीके से लेटा हुआ आएगा एक ओवल शेप। ठीक है, तो इससे हमको इसका बाहर का एरिया पता चल गया, हाँ इतना है। ठीक है, ओवल के साथ जाना है, कहीं नहीं जाना, ओवल के साथ। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम दूसरी साइड करना है हमको, एक ओवल शेप ड्रॉ करनी है, लेकिन सीधी नहीं करनी, इतना ध्यान रखना, सीधी नहीं है ये, थोड़ा सा टिल है, टेढ़ी है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो इसका भी हमको आउटर स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि किस तरीके से है। ये हमारी ओवल शेप जा रही है। देखो, शेप्स की मदद से हम पूरा का पूरा बाहर का स्ट्रक्चर भी पहचान सकते हैं कि कितना कैसे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए, ये ओवल शेप थोड़ी छोटी हो गई इसलिए अलग लग रहा है, ओवल शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, है ना, उसके साथ साथ चलने देंगे। है ना, इस तरीके से इसका बाहर का फेस भी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका हेड का पोर्शन कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना बड़ा इसका हेड आएगा और कहाँ से बाल स्टार्ट होंगे, वो डिसाइड करने के लिए कुछ नहीं, एक ओवल शेप हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, इधर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ओवल शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फ्री हैंडली करना है लाइट प्रेशर के साथ। ठीक है, तो हमको पता चल गया, ठीक है, इधर से हमारा स्टार्ट होने वाला पार्ट इस तरीके से कुछ आएगा और इधर से हमारे बाल आएंगे। ठीक है, तो शेप से ही सब कुछ पता चल जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा हमको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से कुछ हमारे बाल जाएंगे, इसके जो स्ट्रक्चर है ऋतिक पेट। ओके, तो इस तरीके से बाल जाएंगे इसके। किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो अभी पूछ सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन ने बीच में लाइन ड्रॉ करी थी तो आपको पता है ये बाल है, थोड़ा इस साइड है, मैंने थोड़ा ज़्यादा इस साइड कर लिया,
मतलब कि लाइन से पहले इसके बाल आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किस तरीके से कौन सा बाल किधर से आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसके दूसरे बाल आ रहे हैं, देखो लाइंस में नहीं होता, मतलब एक लाइन में नहीं होता तो उसको तीन चार लाइंस में तोड़ मरोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से तो आपसे ये नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या करो इसको तीन चार लाइंस में तोड़ दो, इस तरीके से। देखो ये पोजीशंस होती है जो मैंने बताया, आइज़ की, लिप्स की, नोज़ की, ये सारी पोजीशंस होती है। और ये सकल सर्कल से हम पहचानते हैं कि मसल्स कितनी दूर है इसकी, तो ये कुछ चीज़ें होती है जो सीखने की ज़रूरत होती है। इस तरीके से अंदर का आ गया, है ना। अब बाहर का एरिया डिसाइड करते हैं, बाहर का एरिया कुछ नहीं है, ये जो हमारा हेड था इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। या इसको हम एक बार देख भी सकते हैं, ठीक है, बकायदा हेड, ओके। तो इससे काफ़ी बड़ा है, अगर ये एरिया हम इतना डिसाइड करते हैं तो इससे इतना, हाँ ठीक आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सर्कल से थोड़ा ही बड़ा होगा, मतलब कि ये जो हमने माथा डिसाइड किया था, इसका हेड जो डिसाइड किया था उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, एक दूसरी चीज़ से कंपेयर करके हमारा पूरा ये जो स्ट्रक्चर है बन जाता है, ठीक है। बस हमको अब लाइंस पे ध्यान देना है कि किस तरीके से कौन सी शेप जा रही है, ये 10 मिनट्स। अंदर की साइड कनेक्ट कर देना लाइंस को, ठीक है। साइड से अंदर की साइड जा रही है ये पाल इधर को, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बाद इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं हम। इधर इसका कान आ जाएगा, ठीक है। बाल आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रहा मैं, इस बार बार का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, आप चाहो तो डिटेलिंग कर सकते हो। ये पार्ट थोड़ा अंदर की साइड हो जाएगा, ठीक है, इधर से सेम, इधर से भी अंदर की साइड हो जाएगा थोड़ा, है ना। और इसके बाद क्या बचा है हमारा, नीचे वाला पार्ट,
लिप्स को थोड़ा सही कर देता हूँ। इस तरीके से ये जो साइड्स की लाइंस होती है दिखती नहीं है ज़्यादा, जब शेड करते हैं तो उसमें कवर कर लेते हैं इस लाइंस को भी। ठीक है, अभी शेडिंग करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अभी लाइंस पे ध्यान देंगे, शेडिंग भी आएगा, शेडिंग का पार्ट भी उसके बाद सिखाया जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक स्ट्रक्चर आ जाता है। अब इसकी गर्दन का शेप किधर से जा रहा है ये हमको देखना है, लिप के इधर से जा रहा है तो इधर से लेना है। ठीक है, और इधर से एक शेप जाएगी और इधर एक ओवल शेप आ जाएगी इसके शोल्डर के लिए। तो बस ये जो शेप्स होती हैं इनसे पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर कैसा जा रहा है, इतना ध्यान रखें बस। ठीक है, इस तरीके से तो इस तरीके से एक फेस का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि लिप किस तरीके से बनती है, नोज़ किस तरीके से बनती है, आइज़ किस तरीके से बनती है, और ये जो बाहर का एरिया है ये किस तरीके से बनता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी पड़ती है। एक सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर टाइप बना है। तो बाद में आप इसको डिटेलिंग कर सकते हो लाइंस की मदद से, मैंने आपको बस एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। और जब आप स्ट्रक्चर बनाओ तो हल्के हाथों से बनाओ। उसके बाद क्या करो कि जो हमने फ्री हैंडली लाइंस ड्रॉ करी थी उनको इरेज़ कर दो। लेकिन आप क्या करो कि जब बनाओ तो मुझे ऐसे ही दिखाओ, क्योंकि ऐसे मुझको समझ आएगा कि आपने किस तरीके से ड्रॉ किया है। ठीक है, तो फ्री हैंडली इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब अपना वर्क दिखा देंगे एक बार सभी। ठीक है, और अभी दूसरा सेशन भी होने वाला है, 10 मिनट बाद होगा इस क्लास के, तो उसमें कुछ और प्लेसमेंट सिखाऊंगा उसमें मैं। ठीक है, इसमें तो स्ट्रक्चर बता दिया, उसमें प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा मैं, प्लेसमेंट कैसे करते हैं। तो एक बार दिखा दीजिए पीयूष। दिखाइए, ओके, आपने इरेज कर दिया आउटलाइन जो बनाई थी मतलब। ओके, इरेज मत किया करिए, मुझको पता चलना चाहिए आपने किस तरीके से बनाया, वो आप बाद में इरेज कर सकते हैं इनमें। ठीक है, ठीक है, नोज़ पे थोड़ा सा सही करिए नोज़ को, क्योंकि आपकी एक पूरा सर्कल लग रहा है मेरे को, समझ रहे हो। दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, आपने जो ये नोज़ ड्रॉ करी है इसका क्या है, पूरा एक सर्कल लग रहा है, इसी में आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, समझ रहे हो, लाइक दिस। ये आपने सर्कल ड्रॉ करा तो इधर से आपने ये किया और ये इस तरीके से लग रहा है मेरे को कि ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ नहीं करनी, करनी क्या है कि पहले एक सर्कल लेना है। ठीक है, ये ले लिया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके दो छोटे छोटे सर्कल लेने हैं इसके बगल में, एक और ये दो, इससे क्या